नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं उधमपुर अपडेट के साथ और लाइव जो आप समय विजुअल देख रहे हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर से देख पा रहे हैं और दोबारा से यहां पर ट्रैफिक पुलिस उधमपुर जो है, जो ट्रैफिक डीएसपी हैं हिम्मत सिंह जी, उनके द्वारा एक फेक नंबर की गाड़ी को पकड़ा गया है। और देखिए, आप देख रहे होंगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग से खबर आ रही है। हालांकि बता दें आपको कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने 7 गाड़ियों को पहले ही जो फेक नंबर पर चल रही है उन गाड़ियों को पकड़ लिया है और ये 8वीं गाड़ी इस साल की है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक डीएसपी हाईवे जो हिम्मत सिंह जी हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम है, जिस दिन की सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवालिया निशान उठते हैं उनको विराम लगाया गया है। और ये देखिए, यहाँ पर दोबारा से एक फेक नंबर की गाड़ी जो हरियाणा का नंबर इस पे लगा हुआ है और इस गाड़ी का नंबर है HR26ET5639, इस गाड़ी को पकड़ा गया है। और ये गाड़ी बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल की है और ये गाड़ी चोरी की है और इसमें हरियाणा का नंबर लगाया गया। देखिए, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस गाड़ी की जाँच कर रहे हैं और इंजन और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेक किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी दोबारा से ट्रैफिक पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और यहाँ पर ये आठवीं के करीब गाड़ी है इस साल की, जिस गाड़ी को यहाँ पकड़ा गया है। ट्रैफिक डीएसपी हिम्मत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव एक्सक्लूसिव जो आप देख रहे हैं उधमपुर अपडेट से देख पा रहे हैं। सर, दोबारा से आप बधाई के पात्र हैं, किस तरह से गाड़ी को पकड़ा गया और क्या इसकी डिटेल्स हैं? देखिए, ये गाड़ी HSR प्लेट की बगैर है। इसको जब हमने रुकने का इशारा किया तो रुकी नहीं, इसने गाड़ी को भगाया। इसको हमने फॉलो किया, थोड़ी देर 500 मीटर के बाद इसको हमने पकड़ लिया। जब इसको पकड़ कर लाया है तो इसके पास इसने अपने RC नहीं प्रोड्यूस किया। जब हमने ये चलान के मशीन के ज़रिए से इसको देखा तो इस गाड़ी पे जो इंजन नंबर और चैसी नंबर का डिटेल है वो मैच नहीं करता है। जब इंजन नंबर का जो चैसी नंबर का जो डिटेल है जब हमने मशीन के ज़रिए पता किया तो ये वेस्ट बंगाल की रजिस्टर्ड गाड़ी है, जिसका नंबर है WB08K7182 और ये किसी आशीष सरदार हैं जो वेस्ट बंगाल के, उनके नाम से है। और इस गाड़ी का जब हमने जो ज़्यादा जानकारी ली आगे तो ये पता चला कि इसका यह गाड़ी चोरी का रिपोर्ट है इसका, और चोरी के रिपोर्ट में इसके खिलाफ FIR लगा हुआ है गाड़ी का। ये ऑलरेडी FIR इस गाड़ी का चोरी की? जी हाँ, ये ब्लैक लिस्ट की गई है गाड़ी साल्ट लेक व्यू ARTO वेस्ट बंगाल ड्यू टू रीजन थेफ्ट महाराजगंज JSWAN बिहार वाइड FIR नंबर 196/21 डेटेड 2 अगस्त 2021। अब इसमें देखने वाली बात है कि ये गाड़ी May 12, 2021 का मॉडल है, जो ये बिहार वाली वेस्ट बंगाल वाली गाड़ी है। तो जब जो कि नंबर इस गाड़ी पे लगाया गया है वो March 2022 के मॉडल का नंबर है। पूरा फेक सिस्टम चल रहा है। जी। तो सर, क्या मैसेज उनके लिए रहेगा जो अभी भी जो फेक नंबर की गाड़ी? देखिए, फेक नंबर की गाड़ी जो भी चलाएगा देर सवेर पकड़ा जाएगा और उसको कानूनी कार्रवाई के कला से निकलना पड़ेगा। इसके बगैर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगानी क्यों जरूरी है? इसीलिए देखिए, इससे काफ़ी सारी चीज़ों में एक दो अगर कोई चोरी की गाड़ियां या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में या और कुछ इशू है तो ट्रेस हो सकती है गाड़ी, क्योंकि HSRP से काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेस करने में आसानी होती है। तो हाईवे पे जिस तरह से गाड़ियां यहां पर चलती हैं, इस समय श्री अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, कुछ लोग उसकी आड़ में भी गाड़ियां चला रहे हैं, कि किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? देखें, मैं आपको ये बता दूं कि जब हमारी टीम जो सड़क पर रहती है तो हम गाड़ियों को बीच में से देखते हैं कि इस गाड़ी पर किस बार नंबर और प्लेट कैसी है। अगर हमें उस पर हल्का सा शक होता है हम उसको साइड पर निकलवाते हैं और उसका चेक करते हैं ई चलान मशीन के ज़रिए से, और अगर ओके हो जाती है तो भेज देते हैं, अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो। आपने यहाँ नाका लगाया था, लेकिन सुनने में आया कि फ्रिक्शन करके गाड़ी आगे भाग भी गई। जी हाँ, इसको जब मैंने हाथ दिया था इसी जखैनी वाले पॉइंट पे, इसने गाड़ी हल्का सा ब्रेक मारा, जैसे थोड़ा सा आगे की गाड़ी को एक्सीलेटर कर दिया। इसके पीछे मैंने अपनी गाड़ी भेजी, लड़कों की इस गाड़ी को पकड़ कर लाए हैं। तो जब आगे की कार्रवाई की, जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आप उसका प्रॉपर उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद सर। तो आपने ये देखा कि किस तरह से DSP ट्रैफिक, उन्होंने कहा कि ये गाड़ी जो है ये वेस्ट बंगाल की है और बिहार में इसकी जो FIR रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि गाड़ी चोरी हुई है और इस पे जो फेक नंबर लगाया गया है वो हरियाणा का लगाया गया है। नंबर है HR26ET5639। और जो दर्शक हमें फिलहाल लाइव देख रहे हैं, अगर वो हमारे इस समय जो लाइव देख रहे हैं जिनकी ये गाड़ी है, आशीष सरदार जो हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं, उनके नाम पे ये गाड़ी है। अगर वो हमें इस समय लाइव देख रहे हैं या बाद में लाइव देखेंगे, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आपकी गाड़ी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर है, आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। हालांकि आपको जो है पुलिस स्टेशन में जो आपने रिपोर्ट करवाई है, आपको पुलिस के थ्रू, कानून के थ्रू वो गाड़ी वापस मिल सकती है, अगर आप हमें एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है,
ट्रैफिक डीएसपी और उनकी जितनी भी टीम है, जितनी इनकी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि एक साल में अभी तक 8 गाड़ियों को, जो फेक नंबर पर गाड़ियां चल रही थी, उन गाड़ियों को पकड़ा गया। देखिए अभी भी यहां पर जो गाड़ियां चल रही हैं, देखिए हिम सिंह जी यहां पर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, और उनकी पूरी टीम डटी हुई है। यहां पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जो भी गाड़ी संदिग्ध इनको दिखती है, जिस गाड़ी का नंबर इन्हें संदिग्ध दिखता है, तो उस गाड़ी की पूरी जाँच की जाती है, और जाँच करने के बाद अगर वो गाड़ी फेक निकलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहां पर जितनी भी इनकी टीम है हिम सिंह जी की, वो पूरी यहाँ पर मुस्तैद है। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो लोग फेक नंबर पर गाड़ियाँ चलाते हैं, अगर आपने फेक नंबर पर गाड़ियाँ चलाई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए, तो आपको पहले ट्रैफिक डीएसपी हिम सिंह जी हैं और उनकी टीम है, उनसे पार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर फेक नंबर पर आप गाड़ी चलाओगे तो आप पकड़े जाओगे, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अपनी गाड़ी जो है फेक नंबर पर ना चलाएं, और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है वो लगानी बहुत ज़रूरी है। बाकी ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए जेके अपडेट के, उधमपुर अपडेट के साथ। नमस्कार।